दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने वाली माधुरी दीक्षित अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए आज भी मशहूर हैं। आज भी वो लाखों दिलों पर राज करती हैं। आज भी उनकी एक झलक पाने के लिए उनके लाखों फैंस इंतजार करते हैं। माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना से जुड़ा एक किस्सा आज भी बेशुमार है। विनोद खन्ना के लिए मशहूर था कि वो अपने किरदार में इतना डूब जाते थे कि देख कर लगता था कि जैसे वो सचमुच में हो रहा हो। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित फिल्म दयावान की शूटिंग करते वक्त कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। दोनों फिल्म सुपरहिट गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है शूट कर रहे थे। उस दौरान विनोद माधुरी को किस करते वक्त बह गए थे। बता दे कि डायरेक्टर के कट बोलने पर भी विनोद खन्ना नहीं रुक पाए, यहाँ तक कि उन्होंने माधुरी दीक्षित के होठ को भी चबा लिया था। माधुरी दीक्षित इस सीन के बाद बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। फिल्म में इंटीमेट सीन करने के लिए माधुरी दीक्षित को खूब आलोचना की गई थी। इंटरव्यू के दौरान माधुरी ने कहा था कि फिल्म दयावान उनको जो किसिंग सीन किया गया उसका आज भी उनको पछतावा है। विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का ये किसिंग सीन अलग कैमरे में शूट किया गया था। ये किसिंग सीन लगभग 30 सेकंड का था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।